भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम में ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने की इच्छा व्यक्त की है। टी20 प्रारूप में अपने भारतीय करियर की सनसनीखेज शुरुआत करने वाले रिंकू ने कहा कि अगर मुझे जून 2024 में होने वाले विश्व कप के लिए टीम में शामिल किया गया तो मेरे लिए ये एक सपना सच होने जैसा होगा। पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत करते हैं तो वे एक और विश्व कप खेल सकते हैं। श्रीलंका के महान गेंदबाज ने कहा कि आप उनके एक दिवसीय विश्व कप प्रदर्शन को देखें, उन्होंने जो शुरुआत दी, जिस तरह की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की, वे केवल 36 वर्ष के हैं, वह युवा हैं। अगर रोहित भी विराट की तरह अपनी फिटनेस पर ध्यान दें तो वे एक और विश्व कप खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने पर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हम सभी फाइनल हारने के बाद निराश थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे बीच देखना एक बड़ी बात थी। उन्होंने सभी से मुलाकात की और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि खेल में होता है। उनके प्रेरक शब्द और हमसे मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वे देश के नेता हैं। हमने उनकी बात ध्यान से सुनी और अब उनके सुझावों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया के निवर्तमान हेड कोच राहुल द्रविड़ अपना कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं है। खबरों के मुताबिक वे आईपीएल में नए रोल में नजर आ सकते हैं। राहुल द्रविड़ गौतम गंभीर की जगह लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बन सकते हैं या फिर उनके राजस्थान से भी जुड़ने की अटकलें हैं। रिकी पोंटिंग ने आईपीएल ऑक्शन से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर और पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाज ट्रेविस हेड को दुबई में होने वाली आगामी आईपीएल ऑक्शन में बड़ी डील मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच पोंटिंग ने खुलासा किया है कि अगर ट्रेविस हेड पूरे सीजन के लिए उपलब्ध होते तो वे आईपीएल नीलामी में उनके लिए बोली जरूर लगाते। आईपीएल के 17वें सीजन के लिए प्लेयर्स और रिटेन रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट 26 नवंबर की शाम को सामने आ जाएगी। इससे पहले गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ट्रेडिंग विंडो नियम के जरिए फिर से अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 24 नवंबर की शाम को संन्यास का ऐलान कर दिया। इमाद का 8 साल लंबा इंटरनेशनल करियर अब खत्म हो गया है। इमाद वसीम ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अपने संन्यास की जानकारी फैंस को दी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 55 वनडे और 66 टी20 मैच खेले। वनडे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने ब्रिटेन में अपनी पीठ की एक छोटी सर्जरी कराई है। अब इससे पूरी तरह से उबरने में राशिद को थोड़ा समय लगेगा। इसी कारण से वे बिग बैश लीग के शुरू होने वाले आगामी सीजन में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। टीम इंडिया को दिसंबर महीने के आखिर में साउथ अफ्रीका के दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई इस सीरीज की तैयारी को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका ए और भारतीय ए टीम के बीच 3-4 दिवसीय टेस्ट मैच की सीरीज करवाने की योजना बना रही है, जिसमें भारतीय टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी भी खेल सकते हैं।